नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शिवम दिवाकर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल शिवम दिवाकर। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि जो मुखर्जी नगर में जो भाई रहते हैं या हमारी बहनें रहती हैं, उनकी ज़िंदगी अक्सर होती कैसी है, कैसे रूम में रहते हैं। और आज मैं आपको एक महीने का लगभग ये भी बताऊँगा कि एक बच्चे का कितना खर्च हो जाता है। हर बच्चे का अपना अलग अलग होता है, लेकिन इनका जितना होता है वो मैं आपको बताऊँगा। ये एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, इसमें UPSC के ही लड़के रहते हैं सारे, टोटल UPSC के, कोई भी SSC का नहीं है, टोटल UPSC के हैं। तो ये रूम है अभिषेक भाई का ही, तो हम आपको रूम दिखाते हैं कितना बड़ा है और बताएंगे कि इनका मंथली कितना खर्च हो जाता है। अब रहता है, गेट खोलते हैं और अंदर हम आ गए। ठीक है, अभिषेक भाई का ये रूम है और यहाँ अभिषेक भाई बैठे हैं। ठीक है, रूम का आपको स्पेस पहले मैं दिखाता हूँ। जैसे ही आप एंट्री करेंगे तो आपको यहाँ पे ये देखो, इन्होंने अपना मैथ का कुछ बनाया हुआ है, सब्जेक्ट लिखे हुए हैं या फिर टॉपिक लिखे हुए हैं, कैसे क्या पढ़ना है जो भी है उसके ऊपर यहाँ लिखा है सत्यमेव जयते और UPSC। ठीक है, फिर ठीक बराबर में देखते हैं तो यहाँ इनका ब्लैंकेट, कंबल, यहाँ इनका जो ज़रूरत का सामान है वो, और एक चेयर इधर रखी हुई है। और ये जो है ये आपको रूम से ही मिला है, खुद ख़रीदा है? सर, ये रूम से दिए हैं। रूम से ही मिला है, इसमें अपना सामान रख सकते हैं, यहाँ से लॉक खोल भी सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। ठीक है, ये लॉक भी, ये भी है और इनका यहाँ सामान रखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। स्पेस की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं इधर, ये मैप आपने देखा ही है इनके रूम में, उधर लाइट भी लगी हुई है। और ये जो रूम है ना, ये वैसा रूम नहीं है जो PG में होते हैं, जो आप प्लाई लगा के बना देते हैं, वैसा नहीं है। ये पक्की जो दीवार है, पक्की है ना, ये पक्की हैं ये दीवारें। और उधर आप देखेंगे तो इन्होंने एक पोस्टर भी लगा हुआ है। ठीक है, वो इनसे पूछेंगे क्यों लगाया है। और उधर विंडो भी है इनके, कूलर इन्होंने खुद लगाया होगा जहाँ तक भी है। और ये है इनका बेड जिसमें मैं बैठ जाता हूँ। ठीक है, ये भी इन्होंने, ये आप बैठो, कहाँ जा रहे हो, बैठो यहाँ बैठो, आप इसको इधर घुमाओ और यहाँ बैठो। ये बताओ, ये जो बेड है इसमें क्या आपने ही ख़रीदा या रूम से ही मिला है? नहीं, वो रूम से ही मिला था बेड। और ये पीछे कूलर लगाए वो? सर, मैंने कूलर खुद का लगाया हूँ, खुद का लगाया है। और दोस्तों इधर देख सकते हैं इनका एक रैक है जिसमें इनकी बुक्स रखी हुई हैं तमाम सारी। ये बताइए मुझे, लगभग जो आपका एक महीने का मुखर्जी नगर में खर्चा टोटल, रहने का, खाने का और बिजली का बिल का, कितना खर्च हो जाता है आपका? क्योंकि आप विदाउट कोचिंग के हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, तो जो बच्चे सेल्फ स्टडी करने के लिए आना चाहते हैं उनका यहाँ लगभग एक महीने का कितना खर्च हो जाता है? और खाना का आप कैसे करते हैं, खुद बनाते हैं या किसी से बनवाते हैं? सर, अगर ये मुखर्जी नगर की बात की जाए तो थोड़ी कॉस्टली एरिया है। अगर सर मेरा बात की जाए यहाँ पे इस रूम रेंट की, तो सर मेरा टोटल खर्च महीने का 15-16 हज़ार रुपये हो जाता है महीने का। अगर रेंट की बात की जाए इसकी, तो सर ये इस रूम के रेंट है 8,000 रुपये महीने का, 8,000, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी चार्ज आपको अलग से लगेगा। इसके बाद खाना मैंने कुक लगा रखा है, आपको मैं दिखाता हूँ कुक को, कुक खाना बनाते हैं। बाकी अंकल प्रोवाइड किए हैं, जैसे गैस पाइपलाइन लगा हुआ तो आप खाना बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किचन अंकल प्रोवाइड कराए हैं। बाकी यही रेंट है महीने का 8,000 रुपये से रूम का रेंट है। बिजली का आपको अलग देना है, खाना आप खुद से बनवाएंगे तो उसका भी अलग से पे करना है। और कोई हिडन चार्ज तो नहीं है? नहीं है। पानी का? पानी इंक्लूड है इसमें, इसी में। और पीने का शायद आप मंगाते हैं या RO लगा हुआ है? नहीं, RO लगा हुआ। ओके, और जो मकान मालिक है उनका बिहेवियर कैसा है? अंकल सही है, बिहेवियर सही है अंकल का। और इसमें ओनली UPSC वाले ही रहते हैं? हाँ जी, ये जो हॉस्टल है सिर्फ UPSC वाइज के लिए, इसमें आप SSC वाले या कोई नहीं आ सकते हैं। इसमें भी अंकल कुछ कंडीशन लगाए, जैसे हरियाणा के बच्चे हैं तो थोड़ा डिस्टर्बेंस करते हैं, तो हरियाणा वाले बच्चे का भी इसमें नो एंट्री है। जैसे आप UP से हो, बिहार से हो, तो आप आ सकते हो, हरियाणा वाले का अच्छी है, एनवायरनमेंट सही है, आप कर सकते हो स्टडी। यानी कि यहाँ पे कोई UPSC वाला आएगा तो केवल उसे पढ़ाई का माहौल? हाँ जी, सिर्फ UPSC के लिए आप इसमें एंट्री है, बाकी विदाउट का एंट्री इसमें नहीं है। तो दोस्तों का भी हम आपको रूम का एरिया दिखा देते हैं। दोस्तों ये ही गेट है जिससे हमने एंट्री की थी। ठीक है, रूम काफ़ी बड़ा है, आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। PG से तो कुल मिला के बड़ा है। यहाँ इन्होंने एक पोस्टर और लगाया हुआ है कलाम साहब का, वो भी खूबसूरत है। और इधर आप देखेंगे तो इन्होंने 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस्माइल वाले ये भी लगाए हुए हैं, जिन पर इन्होंने कपड़ा भी टांगे हुए हैं। ये आइडिया कहाँ से आया? इधर आओ ज़रा, आप इसके बारे में बताइए कि इस्माइल के साथ साथ आपने यहाँ थोड़ा कपड़े भी टांग दिए, ये आइडिया कहाँ से आया? सर, चूँकि हैंगर पहले से एक ही हैंगर लगा हुआ था, तो फिर मैंने मार्केट में देखा, तो फिर मैंने एस्टिक्स वाले हैंगर लगा लिया कपड़े, ताकि सेटलमेंट हो जाए। कितने रुपये का एक आया ये? सर, ये 40 की है। 40 का एक? हाँ, इसमें आप दो आता है, एक एक पेयर में। ओके, एक में दो आता है ना। तो दोस्तों इधर इनके में विंडो भी है, यहाँ से काफ़ी अच्छा लगता है। ये बताइए, वो जो पोस्टर है वो आपने किस लिए लगाया? सर, वो एक मोटिवेशन के लिए मैंने लगाया था। और ये कलाम साहब का?
सर ये भी मोटिवेशन के लिए मैंने लगाया था, वैसे मैं मेरा आइडियल है कलाम सर, तो मैं इसको इसलिए फॉलो करते हो। हाँ तो दोस्तों ये था रूम, बजट आपको बता दिया है, आशा और उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब यार ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके सहयोग की हमें ज़रूरत है, वाकई में ज़रूरत है, इसलिए आपको बोल रहा हूँ।